चैप्टर नंबर 3 इश्यू ऑफ शेयर्स का फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर हम ले रहे हैं एसपी सब्जेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव। डैश रेफर्स टू कैपिटल मेड अप ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर कैपिटल, डेट कैपिटल और रिजर्व फंड। सो द करेक्ट आंसर इज शेयर कैपिटल इक्विटी और प्रेफरेंस से बनता है, डेट कैपिटल कर्जा है, रिजर्व फंड भी शेयर कैपिटल के साथ जोड़ेंगे तो नेटवर्थ होता है, ठीक है, बट सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स है तो वो शेयर कैपिटल आए। डैश कैपिटल रेफर्स टू मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन रेज बाय इश्यूइंग शेयर्स। सो ऑथराइज इज द मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन रेज बाय इश्यूइंग शेयर्स। ऑथराइज का एक और नाम क्या है? नॉमिनल। एक और नाम क्या है? रजिस्टर्ड। जो मेमोरेंडम में तुम रजिस्टर करवाते हो उसको ऑथराइज बोलते हैं। डैश मीन्स शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक, राइट इश्यू, प्राइवेट प्लेसमेंट, पब्लिक इश्यू। सो पब्लिक इश्यू ये पब्लिक को ऑफर किया जाता है, राइट इश्यू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट नॉर्मली 200 से कम लोग जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको अप्लाई किया जाता है। अंडर डैश मेथड इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स इज बेस्ड ऑन बिडिंग, बुक बिल्डिंग, फिक्स प्राइस, बोनस इश्यू। बुक बिल्डिंग में मैंने जोमेटो का बताया था प्राइस बैंड रहता है, एक मिनिमम प्राइस एक मैक्सिमम प्राइस। 72 मिनिमम था, मैक्सिमम 76 था। फिक्स प्राइस में एक ही प्राइस रहता है और बोनस इश्यू में तो कोई कीमत लिया ही नहीं जाता, फुकट में शेयर्स दिए जाते हैं तो इश्यू प्राइस होगा ही नहीं उसका, और फिक्स प्राइस में तो एक ही प्राइस रहता है। और बिडिंग मतलब यहाँ पे बुक बिल्डिंग में दो प्राइस रहते हैं। इन डैश शेयर्स ऑफ अ कंपनी आर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्दर पब्लिक ऑफर, इनिशियल पब्लिक ऑफर और पब्लिक ऑफर। सो उसको क्या बोलेंगे? आईपीओ शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर। व्हेन द कंपनी ऑफर्स टू द शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम उसको आईपीओ बोलते हैं। जोमेटो ने लाया था, अभी सुला विनायर्स लाएगा, स्विगी का न्यूज आ रहा है, पतंजलि का आ रहा है, ये सब शायद उनके आ जाने चाहिए। डैश इज ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, आईपीओ, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, राइट इश्यू। नाउ इफ यू चेक आउट जो आईपीओ है वो अभी तक कोई शेयर होल्डर बना नहीं है, कंपनी अप्लाई कर इश्यू कर रही है शेयर्स या इनवाइट कर रही है पब्लिक को ऑफर डालो। जब पब्लिक शेयर्स खरीद के ऑफर डालता है कंपनी को, ठीक है ना, तो वो एप्लीकेंट है, फिर कंपनी शेयर्स देती है। तो आईपीओ में तो एग्जिस्टिंग है ही नहीं। एसॉस, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को दिया जाता है, ठीक है ना। सो राइट इश्यू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो करेक्ट है। बोनस शेयर्स आर इश्यूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू डैश, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज और डायरेक्टर्स। सो एग्जिस्टिंग जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको बोनस शेयर दिया जाता है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को सिर्फ बोनस जो दिवाली में दिया जाता है, ठीक है, और डायरेक्टर्स को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, ठीक है ना, यदि कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होगा तो स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये सब दिया जाएगा। डैश आर ऑफर्ड टू परमानेंट एम्प्लॉयज, डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ अ कंपनी, बोनस, राइट और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। नो, बोनस शेयर्स शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, राइट इश्यू एग्जिस्टिंग बोनस और राइट एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम किसको दिया जाता है? जो डायरेक्टर्स है, ऑफिसर्स है, परमानेंट एम्प्लॉयज है उन। नेक्स्ट, अंडर डैश अ कंपनी ऑफर्स इट्स सिक्योरिटीज टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सन नॉट एक्सीडिंग 200, प्राइवेट प्लेसमेंट, आईपीओ और पब्लिक ऑफर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल नॉट एक्सीडिंग 200 तुम शेयर्स ऑफर करते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट। आई थिंक शार्क टैंक जो देख रहे हो, शार्क टैंक इज मोर ऑफ अ प्राइवेट प्लेसमेंट कि भाई हम तुमको 20% बेच रहे हैं फॉर दिस प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट, द डैश हैव द पावर टू अलॉट शेयर्स, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सो किसको अधिकार है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। सिर्फ एक डायरेक्टर को नहीं, कंपनी सेक्रेटरी को बिल्कुल अधिकार नहीं है, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन अलॉट शेयर्स। इनफैक्ट अलॉटमेंट, कॉल, फॉरफीचर सब डायरेक्टर्स के अधिकार क्षेत्र में आता है, किसी और के नहीं। लेटर ऑफ डैश इज सेंड टू एप्लीकेंट्स हु हैव बीन गिवन शेयर्स बाय द कंपनी, रिग्रेट, रिनंसिएशन या अलॉटमेंट। नाउ रिग्रेट तो जिसको शेयर नहीं दिया जाता, रिनंसिएशन किसने शेयर छोड़ दिया है, और अलॉटमेंट जिसको शेयर दिया गया है। नेक्स्ट, डैश इज अ प्रूफ ऑफ टाइटल ऑफ शेयर,
शेयर सर्टिफिकेट, रजिस्टर ऑफ मेंबर, लेटर ऑफ अलॉटमेंट। नाउ शेयर सर्टिफिकेट प्रूफ है, रजिस्टर ऑफ मेंबर तो हर कंपनी को हेड ऑफिस में जितने मेंबर्स का लिस्ट है वो उस रजिस्टर में मेंशन करना पड़ता है। लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज नॉट अ प्रूफ, वो तो सिर्फ एक तुमको खुशखबरी दिया जा रहा है कि भाई तुमको शेयर दिए है, दिया है, वो प्रूफ नहीं है। द गैप बिटवीन टू कॉल्स शुड नॉट बी लेस देन 14 days, 1 month और 21 days। सो उसका करेक्ट आंसर इज 1 month, एक महीना, एक कॉल डाला उसके बाद एक महीने का गैप होना चाहिए। कंपनी कैन डैश शेयर्स ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स, फोरफिट, सरेंडर और अलॉट। सो कंपनी फोरफिट करेगी, शेयर्स जब्त करेगी बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स। सरेंडर तो खुद शेयर होल्डर करता है, अलॉट तो नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स में अलॉटमेंट का सवाल ही नहीं उठता, वो तो अलॉट कर चुके हैं, बस कॉल मनी उसका बाकी है, तो शेयर जब्त हो रहे हैं। वॉलंटरी गिविंग अवे वन शेयर टू अनदर पर्सन इज कॉल्ड एज डैश ऑप्शंस, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, सरेंडर। नाउ जो वॉलंटरी तुम करते हो, एक बेचने वाले को ट्रांसफर और खरीदने वाले को ट्रांसफर ही बोलते हैं। डैश ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ, फॉरफीचर, अलॉटमेंट, ट्रांसमिशन। नाउ फॉरफीचर तो इज अ कंपलसरी कैंसिलेशन ऑफ मेंबरशिप एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल। अलॉटमेंट जब तुमको शेयर दिए जाता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ मतलब किसकी डेथ हुई है, कोई डूब गया है, ठीक है ना, इंसॉल्वेंट या कोई पागल हो गया है, तो ट्रांसमिशन का रूल आता है। तुम्हारे सामने ग्रुप ए और ग्रुप बी, ऐसे दो ग्रुप्स है, ठीक है। पहला डेथ ऑफ मेंबर, ग्रुप बी में देखो कौन कौन से साइड्स है। सो डेथ ऑफ मेंबर नॉर्मली इन केस ये ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स होगा, जहां पे जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब मिस्टर ए की डेथ हुई है तो उसकी वाइफ मिसेज है, अप्लाई करेगी किसको, कंपनी को, कि शेयर्स मेरे नाम पे कर दो। तो इस कंसेप्ट को ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट, वॉलंटरी रिटर्न ऑफ शेयर्स टू कंपनी बाय मेंबर, सरेंडर ऑफ शेयर्स बोलेंगे, कि उसके शेयर्स का कॉल का पैसा देना बाकी है, वो दे नहीं पा रहा है, तो कंपनी उसके शेयर्स जब करने के बजाय वो खुद कंपनी के पास आ रहा है, तो कंपनी सरेंडर ले लेती है। अकाउंटिंग एंट्रीज सरेंडर का और फोरफीचर का सेम रहता है, दोनों केस में शेयर कैपिटल कम हो रहा है, ठीक है ना। और जो भी आदमी ने सरेंडर किया या जिसके शेयर जब हुए वो शेयर होल्डर नहीं रहेगा। प्राइस ऑफ शेयर्स, सो प्राइस ऑफ शेयर्स क्या है मेंशन इन प्रोस्पेक्टस, ये जो प्राइस है, यदि प्राइस क्लियर कट मेंशन कर दिया वो फिक्स प्राइस है कि भाई ये टर्म पे शेयर इश्यू किया जा रहा है। नेक्स्ट ईएसपीएस, नाउ एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम, ये शेयर होल्डर को नहीं दिया जाए, ये एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को दिया जाएगा, नॉर्मली हायर लेवल पे जो है ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स, इनको दिया जाएगा कि हम तुमको ये शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, दैट इज टेक्निकली कॉल्ड एज ईएसपीएस, एम्प्लॉय स्टॉक परचेज स्कीम। नेक्स्ट इज रिग्रेट लेटर, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। रिग्रेट लेटर इज जब किसी को शेयर्स अलॉट नहीं करते उसको क्या बोलेंगे, नॉन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर्स जब जब्त करते तब आता है, उसमें रिग्रेट लेटर लिखते नहीं है, वो कंपल्सरी टर्मिनेशन है, उसमें कोई रिग्रेट नहीं है। नेक्स्ट नंबर वन, इश्यूड कैपिटल, सो इश्यूड कैपिटल किसका भाग है, ऑथराइज्ड कैपिटल का भाग है। सो कैपिटल ऑफर टू पब्लिक टू सब्सक्राइब, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम इश्यू ऑफ शेयर तुम गलत बोल रहे हो, वो आईपीओ है, वो फर्स्ट टाइम इश्यू इज ऑलवेज आईपीओ। नाउ कम टू एफपीओ, सो एनी इश्यू आफ्टर आईपीओ, आईपीओ फर्स्ट टाइम इश्यू होता है, उसके बाद जो भी इश्यू होगा सबको फर्दर पब्लिक ऑफर बोला जाएगा। नेक्स्ट बोनस शेयर्स, तो बोनस शेयर एक प्रकार का डिविडेंड का एक रूप है, जहां पे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री शेयर्स दिया जाता है कि ये तुमको डिविडेंड के तौर पर हमारे तरफ से फ्री गिफ्ट है, ना कंपनी पैसा लेती है ना कंपनी पैसा देती है, फ्री गिफ्ट है।
come to the D part. Issued within 2 months of allotment of shares. Maximum. सबसे पहले जो 2 महीने के अंदर देना पड़ता है, दैट इज शेयर सर्टिफिकेट. कंपनी एग्जिस्टिंग या जो जिसने अप्लाई किया था शेयर्स, यदि उसको अलॉट कर दिया तो लेटर ऑफ अलॉटमेंट जाएगा, तो 2 महीने के अंदर उसको शेयर सर्टिफिकेट कंपनी दे देगी. हालांकि आजकल ये डिमैट अकाउंट में होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स. सो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स कंपलसरी शेयर्स का जप्ती है एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स. नेक्स्ट, पहला कैपिटल कलेक्टेड बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर. सो टर्म और फ्रेज क्या है? सो जब कंपनी इश्यू करती है, ठीक है ना, तो जो इक्विटी और प्रेफरेंस है वो कंपनी का क्या है? शेयर कैपिटल है. पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल सब्सक्राइब बाय इन्वेस्टर्स. हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस लिंक में मैंने दिया हुआ है, जो पहला वीडियो है क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल, उसमें दिया हुआ है वो पार्ट. जब ऑथराइज कैपिटल का एक हिस्सा है इश्यूड, इश्यूड का एक हिस्सा है सब्सक्राइब्ड, करेक्ट. कैपिटल विच विल बी कलेक्टेड ओनली एट द टाइम ऑफ बाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, ये भी मैंने बताया था. सो मैंने बताया था कि कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में फर्क है. रिजर्व कैपिटल वो अनकॉल्ड कैपिटल का हिस्सा है जो कंपनी कंपनी बंद होगी तभी ही मांगेगी, ठीक है. हाईएस्ट बिड प्राइस एंड बुक बिल्डिंग मेथड, उसको सीलिंग प्राइस बोल या कैप प्राइस भी बोलेंगे, या उसको क्या बोलेंगे, सीलिंग प्राइस. बुक बिल्डिंग में लोअर प्राइस और हाईएस्ट प्राइस होता है, हायर प्राइस को कैप या सीलिंग. ऑफरिंग ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट, उसको पूरा आईपीओ नहीं लिखने का, पूरा फुल फॉर्म के साथ लिखने का, इनिशियल पब्लिक ऑफर ब्रैकेट में आईपीओ ऐसा बोल सकते हो, ठीक है. सब्सिक्वेंट इश्यू ऑफ शेयर्स आफ्टर एन आईपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर नहीं, एफपीओ नहीं, पूरा फर्दर पब्लिक ऑफर लिखने का, फिर एफपीओ लिखने का. शॉर्टकट्स तुमको अलाउड नहीं है, नहीं लिखना है, ठीक है ना. ये फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या ब्रैकेट में एफपीओ लिख सकते हैं. Preemptive rights given to existing equity shareholders who subscribe to new issue of shares by company. Preemptive is always rights issue, ठीक है ना. Rights issue में existing shareholders को offer किया जाता है shares की खरीदना है के लिए, that is called as a preemptive right. It is called as capitalization of profits. Capitalization of profit क्या होता है? हाँ, bonus shares. जब तुम रिजर्व से निकाल के इसमें डालते हो कैपिटल में, उसको क्या बोलेंगे, बोनस शेयर्स. रिजर्व फंड का कोई संबंध नहीं, रिजर्व फंड से पैसा निकाल के दिया जा रहा है तो उसको बोनस शेयर्स बोलेंगे. रिजर्व फंड का यूज होता है बट वो कंसेप्ट नहीं है. अप्रोप्रिएशन ऑफ शेयर्स टू एन एप्लीकेंट, अप्रोप्रिएशन ऑफ शेयर्स टू एन एप्लीकेंट, उसको क्या बोलेंगे, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है ना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. नेक्स्ट, कमिटी सेटअप टू डिसाइड द फॉर्मूला फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन. जो कमिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कुछ डायरेक्टर्स होंगे जिनको अलॉटमेंट के लिए अपॉइंट किया गया, टेक्निकली उनको अलॉटमेंट कमिटी बोलेंगे. मिनिमम अमाउंट टू बी कलेक्टेड फ्रॉम सब्सक्राइबर्स विद इन 30 डेज ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. मिनिमम अमाउंट जो कलेक्ट किया जाता है उसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन बोलते हैं. मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज 90% होना चाहिए ऑफ इश्यूड कैपिटल, लेकिन कम भी पड़ गया, 70% भी हुआ, 100 रुपया इश्यू किया, 70 रुपया आया तो भी कोई टेंशन नहीं. 30 रुपीज कौन पैसा देगा, अंडर राइटर्स, और उनको क्या दिया जाएगा, अंडर राइटिंग कमीशन. डॉक्यूमेंट विच इज अ प्राइमा फेसी, प्राइमा फेसी इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग एट फर्स्ट साइट एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ सर्टेन शेयर्स ऑफ अ कंपनी. एट फर्स्ट साइड एविडेंस क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट प्राइमा फेसी एविडेंस माना जाता है, प्रूफ कि तुम शेयर होल्डर हो.
पीनल एक्शन टेकन बाय कंपनी ऑन नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स फॉरफिट इट इज फॉरफिट नहीं फॉरफीचर ऑफ शेयर्स फॉरफीचर ऑफ शेयर्स बोलेंगे जो कंपनी एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स कंपल्सरी टर्मिनेट करती है पर्सन टू होम ट्रांसफर इज ट्रांसफरिंग द शेयर्स ट्रांसफरी और जो ट्रांसफर करता है उसको क्या बोलेंगे ट्रांसफरर स्पेलिंग में गलती नहीं करना डबल ई एंड में ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ इनवॉलंटरी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स सो इट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स ऑपरेशन ऑफ लॉ करेक्ट नाउ वी कम टू ट्रू और फॉल्स ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड द आंसर इज फॉल्स ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड फुल्ली पेड अप शेयर्स कैनॉट बी फॉरफिटेड द मेंबर ट्रांसफरिंग शेयर्स इज कॉल्ड एज ट्रांसफरर और जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है उसको ट्रांसफरी तो द आंसर इज करेक्ट शेयर सर्टिफिकेट इज इश्यूड फॉर पार्टली और फुल्ली पेड अप शेयर्स क्यों भाई शेयर्स पेड अप है तो शेयर सर्टिफिकेट तो तुमको देना ही है पार्टली पेड अप हो या फुल्ली पेड अप हो तो प्रूफ कैसे शेयर प्राइमा फेसी कैसे पता चलेगा कि वो शेयर होल्डर है शेयर सर्टिफिकेट दिया जाएगा तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स मस्ट बी डन विद इन वन मंथ ऑफ रिसीट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मनी तो इफ यू अंडरस्टैंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स 2 महीने के अंदर देना पड़ेगा स्वेट इक्विटी शेयर्स आर ऑफर्ड टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी नॉर्मली स्वेट इक्विटी शेयर्स नॉर्मली जो हाई रैंकिंग डायरेक्टर्स है उनको दिया जाता है ये कंपनी डिसाइड करती है शेयर होल्डर से परमिशन लेती है बोनस शेयर्स आर इश्यूड एट अ डिस्काउंटेड प्राइस टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स फॉल्स क्यों डिस्काउंटेड प्राइस तुमको राइट शेयर में मिलेगा बोनस शेयर फुकट के शेयर्स है डिविडेंड के रूप में दिया जा रहा है उसमें ना पैसा लेती है ना पैसा देती है फ्लोर प्राइस इज द हाइएस्ट प्राइस अंडर बुक बिल्डिंग मेथड हाइएस्ट बिड प्राइस हाइएस्ट प्राइस को क्या बोलेंगे और कैप प्राइस लोअर प्राइस को फ्लोर प्राइस बोलेंगे कॉल्स नॉट पेड बाय शेयर होल्डर इज कॉल्ड एज कॉल्स इन एरियर्स ट्रू कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं उसको हाँ शेयर नॉट ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन इज कॉल्ड एज सब्सक्राइब कैपिटल ये तो उन्होंने सब्सक्राइब किया है भाई नेक्स्ट ऑथराइज्ड कैपिटल इज मेंशन इन कैपिटल लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में 6 क्लॉज होते हैं नेम क्लॉज रजिस्टर्ड क्लॉज रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज लायबिलिटी क्लॉज कैपिटल लॉज और एसोसिएशन क्लॉज 6 क्लॉज में से ये एक क्लॉज रहता है Authorized capital loss. Find the odd one. Authorized capital, equity share capital, issued capital, paid up capital. Paid up capital. Now, if you check out authorized, issued or paid up classification of share capital, equity share types of share में, तो odd one will be what? Equity share capital. क्योंकि बाकी authorized, issued or paid up ये तुम्हारा classification of share capital में है. Next. Employee stock option scheme ESOS ESPS right share या sweat equity right share equity shareholder को दिया जाता है बाकी employees directors officers इनको दिया जाता है floor price cap price cut off price face value face value क्योंकि floor price lower price है cap price higher price और company जो price तय करती है इन दोनों में से उसको cut off बोलेंगे face value different है bonus share right share employee stock option scheme सो बोनस शेयर राइट शेयर होल्डर्स को दिया जाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एम्प्लॉयज को दिया जाता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर फॉरफीचर ऑफ शेयर सरेंडर ऑफ शेयर्स फॉरफीचर और सरेंडर में शेयर्स कैंसिल हो रहा है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स में शेयर्स दिया जा रहा है यहाँ पे दोनों में शेयर कैपिटल कम हो रहा है यहाँ पे शेयर कैपिटल बढ़ रहा है नेक्स्ट शेयर कैपिटल रेफर्स टू कैपिटल मेडअप ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड So, एक कंपनी कितने प्रकार के शेयर्स इश्यू कर सकती है 2 इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स नेक्स्ट रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ डैश उसको अनकॉल्ड कैपिटल का हिस्सा बोलेंगे कॉल्ड अप द
₹10 का शेयर है, ₹6 कॉल्ड अप है, तो ₹4 अनकॉल्ड होगा, ₹4 में से ₹1 में भी कंपनी कैन ट्रांसफर टू रिजर्व कैप, अनकॉल्ड का पार्ट है। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ड्यू टू डेथ, इनसॉल्वेंसी और इनसैनिटी ऑफ मेंबर इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, इट हैपेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, लीगल रिप्रेजेंटेटिव अप्लाई करता है। द टू पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ शेयर आर ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, स्पेलिंग में गलती नहीं करना, ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, लास्ट में डबल ई आएगा। वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ शेयर बाय मेंबर ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे कॉल्स इज कॉल्ड एज, उसको क्या बोलेंगे, सरेंडर ऑफ शेयर, और कंपनी खुद से जबरदस्ती जब्त करती है उसको बोलेंगे फोरफीचर, खुद शेयर होल्डर अप्रोच करता है तो वी कॉल इट सरेंडर। कंपनी कैन फोरफिट ओनली डैश पेड अप शेयर, फुल्ली पेड अप शेयर कैन नेवर बी फोरफिटेड, इस जन्म नहीं हो सकता, ओनली पार्टली पेड अप शेयर ही जब्त हो सकते हैं, फुल्ली पेड अप शेयर को जब्त करने का परमिशन नहीं है। इनकेस द ओरिजिनल शेयर सर्टिफिकेट इज स्टोन और म्यूटिलेटेड, कंपनी कैन इश्यू, फटा हुआ शेयर फट गया है तो कंपनी क्या कर सकती है, इंक्वायरी नहीं, क्या कर सकती है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इश्यू कर सकती है, बट वो जमाना चला गया, क्यों जमाना चला गया, टोन और म्यूटिलेटेड का अभी जमाना नहीं है, सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आता है, उसको डुप्लीकेट करने की थोड़ी जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है ना, कागज को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, फट गया तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थोड़ी खराब होता है। इनकेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर कंपनी हैज टू इश्यू टू द ट्रांसफर न्यू शेयर सर्टिफिकेट विद इन कितना, कितने टाइम के अंदर करना पड़ेगा, वन मंथ, तो टू मंथ क्या है, टू मंथ क्या है सर, वो नया जब शेयर अलॉट, जब नया शेयर होगा तो शेयर सर्टिफिकेट 2 महीने के अंदर और ट्रांसफर 1 महीने के अंदर। लेटर सेंड टू एप्लीकेंट्स फॉर इन्फॉर्मिंग देम शेयर्स आर अलॉटेड इज कॉल्ड एज, लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी चलेगा, अलॉटमेंट लेटर भी चलेगा, बट लेटर ऑफ अलॉटमेंट लिखो। When applications received are more than the number of shares offered, it is called as. यदि application 100 है और 500 का apply हुआ है तो over subscription. Issue 100 किया, subscribe 80 हुआ है तो उसको under subscription बोलते हैं. So ये over subscription होगा. ये तुमको accounts में issue of shares chapter में आएगा. In book building method, the final price at which shares are offered to investor is called as. कट ऑफ प्राइस, मिनिमम प्राइस इज फ्लोर प्राइस, मैक्सिमम प्राइस इज कैप प्राइस, और जो प्राइस में तय होगा उसको कट ऑफ प्राइस बोलेंगे। नेक्स्ट, शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एज बोनस शेयर्स, दिया जाएगा जो कंपनी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को इन प्रोपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग देगी, करेक्ट। नेक्स्ट कम टू ग्रुप ए, पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स, सो पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स पब्लिक को ऑफर किया जाता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को पब्लिकली ऑफर नहीं होता, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम ऑफर ऑफ शेयर्स, सो फर्स्ट टाइम जो कंपनी मार्केट में शेयर्स इश्यू करती है। नेक्स्ट, राइट्स इश्यू, तो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट्स शेयर ऑफर होता है, उस राइट को क्या बोलते हैं, प्रीएम्प्टिव राइट्स, और बोनस शेयर्स किसको ऑफर होता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही ऑफर होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ना राइट्स ऑफर होता है ना बोनस ऑफर होता है। ESOS, सो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम बोला जाता है, और आखिर का ऑपरेशन ऑफ लॉ जो जो है ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, सो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ जो शेयर्स जाता है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट, व्हेन डज ट्रांसमिशन ऑफ टेक्स प्लेस, इन केस ऑफ तीन चीजें हैं, कौन कौन सा, डेथ,
इनसॉल्वेंसी या इनसैनिटी इन दिस केस होता है. नेम द पार्टीज इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. टू पार्टीज, वन इज ट्रांसफरर, द अनदर इज ट्रांसफरिंग. देयर आर टू पार्टीज. व्हाट इज द टाइम लिमिट टू इश्यू शेयर सर्टिफिकेट ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? कितना? 2 मंथ्स. और ट्रांसफर के लिए कितना है? 1 महीना. व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट विद इन द रजिस्ट्रार ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? कितने टाइम के अंदर करना पड़ता है? सो इट इज 30 डेज. 14 डेज में नहीं होगा पॉसिबल. व्हेन कैन अ कंपनी फॉरफिट शेयर्स? ओनली इफ द शेयर्स आर पार्टली पेड अप. देन द कंपनी हैज मेड कॉल्स ऑन शेयर्स बट द शेयर होल्डर हैज नॉट पेड. कंपनी हैज सेंड कॉल लेटर, कॉल रिमाइंडर, वार्निंग ऑफ लेटर ऑफ फॉरफिटर, फिर भी ही हैज नॉट पेड. तो लास्ट में कंपनी फॉरफिट करेगी एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी. व्हाट इज अ शेयर सर्टिफिकेट? इट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस ऑफ द ओनरशिप ऑफ शेयर्स गिवन टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स within 2 months from the allotment, or for transfer 1 month. What is the minimum application money to be collected by company as per the Companies Act? The minimum application money to be collected is technically called as minimum subscription, and it is 90%. Okay, on application ke time mein to 5% hai, lekin isme jo variation samajhna hai. मैंने 100 रुपए का शेयर इश्यू किया या 100 शेयर इश्यू किए तो 90% मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, लेकिन एक शेयर का जो दाम होगा कम से कम कंपनी कितना मांगेगी? 5%. 100 यदि 10 रुपए का है तो 8 आना, 50 पैसे से कम नहीं मांग सकती. वो पॉइंट है, मैंने इश्यू का बोल दिया था तुमको. मिनिमम एप्लीकेशन मनी 5%. विद होम शुड बी द प्रोस्पेक्टस फाइल बिफोर इश्यूइंग शेयर टू द पब्लिक? एक ही आदमी को फाइल करना पड़ेगा. कौन है वो? टेक्निकली ROC, ठीक है ना. व्हाट इज मीन बाय प्राइवेट प्लेसमेंट? शेयर्स इश्यूड टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल नॉट मोर देन 200 इज कॉल्ड एज प्राइवेट प्लेसमेंट. स्वेट इक्विटी शेयर्स डायरेक्टर्स या एम्प्लॉयज को दिया जाता है, जो कि कॉम्पनसेशन अदर देन कैश है, उसमें कैश दिया नहीं जाता. टू होम कैन अ कंपनी इश्यू बोनस शेयर्स? बोनस शेयर्स कैन ओनली बी इश्यूड टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. नहीं, सैलरी अलग रहेगा, अलग रहेगा. ये स्वेट इक्विटी शेयर से क्या होता है कि एम्प्लॉय छोड़ेगा नहीं जॉब, क्योंकि उसको लाखों के शेयर्स दिए जा रहे हैं. पगार अलग रहेगा, ठीक है ना. वो सैलरी की जगह नहीं दिया जाता, सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा दिया जाता है, लेकिन वो हाई रैंकिंग डायरेक्टर्स इनको ही दिया जाता है. और टोटल शेयर कैपिटल का जहां तक मेरा नॉलेज है 5% से ज्यादा स्वेट इक्विटी शेयर नहीं, मतलब जो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम जो भी देते हैं, 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए. नॉर्मली 0% में से रहता है जो डायरेक्टर्स को दिया जाता है. ओके, और उसमें लॉक इन पीरियड भी रहता है कि उतना टाइम बेच नहीं सकते. व्हाट इज द सब्सिक्वेंट इश्यू आफ्टर IPO कॉल्ड एज? फर्दर पब्लिक ऑफर, ब्रैकेट में FPO लिख देने का, पूरा लिखने का. शॉर्ट फॉर्म जो है वो FPO नहीं लिखने का, पूरा. नेम द मेथड ऑन विच द शेयर्स इश्यू प्राइस ऑफ शेयर्स इज फिक्स थ्रू अ बिडिंग प्रोसेस. बिडिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बुक बिल्डिंग. उसमें दो प्राइस रहते हैं, एक प्राइस को फ्लोर प्राइस, एक प्राइस को कैप प्राइस. और जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती है तो उसको क्या बोलते हैं? कट ऑफ प्राइस. व्हाट इज पब्लिक इश्यू? पब्लिक इश्यू जब कंपनी ऑफर करती है शेयर टू द पब्लिक वाया द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. बुक बिल्डिंग रहेगा तो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है. नेम द कैपिटल विच इज मेंशन इन द कैपिटल लॉस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल लॉस होता है. अब ये जो गलत शब्द है उसको करेक्ट करना है. इश्यूड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन रेज बाय इश्यूइंग शेयर्स. अभी एक सिंपल सा लॉजिक है. मैक्सिमम कैपिटल जो रजिस्टर्ड होता है इन द मेमोरेंडम, जिसको ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल या रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं. यदि 1 लाख रुपया तुम्हारा मेमोरेंडम में रजिस्टर्ड है, ये मैक्सिमम तुम इश्यू कर सकते हो, उससे ज्यादा इश्यू नहीं कर सकते. नेक्स्ट, अंडर फिक्स प्राइस इश्यू मेथड द प्राइस ऑफ शेयर इज फिक्स थ्रू बिडिंग प्रोसेस. उसको भी फिक्स प्राइस नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बुक बिल्डिंग. जहां पे बिडिंग होता है, बिडिंग में एक लोअर प्राइस रहता है कॉल्ड एज अ फ्लोर प्राइस, एक हायर रहता है उसको कैप प्राइस बोलते हैं. और फिर कंपनी फाइनलाइज करती है फाइनल. जैसे जोमेटो का 72 फ्लोर प्राइस था, 76 वाज द सीलिंग प्राइस,
जो प्राइस कंपनी ने तय किया दोनों में से, या तो बीच में या मैक्सिमम जो कंपनी डिसाइड करती है, या मिनिमम भी हो सकता है, वो कट ऑफ था जो कि 76 था। एफपीओ रिफर्स टू ऑफरिंग ऑफ द शेयर्स टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, उसको आईपीओ बोलेंगे। इट इज द फर्स्ट टाइम जो कंपनी शेयर बाजार में लाती है। एग्जाम्पल जोमेटो, LIC, पेटीएम, और अभी जो आने वाले हैं सुलह विनियार्ड, स्विगी, और कौन सा आने वाला है, पतंजलि एक्सपेक्टेड है। ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स कैन बी फोरफिटेड, फुल्ली पेड अप कैन नॉट बी फोरफिटेड, ओनली पार्टली पेड अप शेयर्स कैन बी फोरफिटेड। बोनस शेयर्स आर ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को नहीं, शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। बोनस शेयर्स इक्विटी शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये सब दिया जाता है। कंपनी एंटर्स इनटू एन अंडरराइटिंग एग्रीमेंट विद द शेयर होल्डर, एंड द कंपनी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद द अंडरराइटर्स, एंड फॉर व्हिच यदि मेरे को 100 शेयर्स बाजार में लाने, सिर्फ 70 शेयर लोगों ने खरीदे, तो बाकी 30 शेयर अंडरराइटर्स खरीदेंगे, जिसके लिए उनको क्या मिलेगा, अंडरराइटिंग कमीशन मिलेगा पूरे 100 रुपए पे, पूरे 100 शेयर्स पे जो भी रहेगा। लेटर ऑफ अलॉटमेंट इज सेंड टू एप्लीकेंट्स व्हेन नो शेयर्स आर अलॉटेड टू देम। उनको क्या दिया जाएगा, लेटर ऑफ रिग्रेट, एक प्रकार का लेटर जो बोलता था कि हमें खेद है कि हम तुमने जो अप्लाई किया था कोई भी शेयर्स नहीं दे पा रहे हैं, उसको लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ अलॉटमेंट जब शेयर्स दिया जाता है, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट मस्ट बी इश्यूड विद इन डैश मंथ फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन। कितने टाइम के अंदर दिया जाना चाहिए, 3 मंथ्स। डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट को टाइम लगता है, सब कंपनी चेक करती है, तो 3 मंथ्स। और अलॉटमेंट रहा तो 2 मंथ्स, ट्रांसफर रहा तो 1 मंथ, और डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट रहा तो 3 मंथ्स। लेकिन ये सब चला गया है, क्यों, ऑन डीमैट होने के बाद में डुप्लीकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो कागजी फॉर्म का था। कॉल मनी कैन नॉट एक्सीड 5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स। सो यदि तुम कॉल का पैसा मांग रहे हो तो 25% से ज्यादा नहीं हो सकता। 10 रुपए का शेयर है तो 2.5 रुपए से ज्यादा कॉल का पैसा नहीं मांग सकती कंपनी। और दो कॉल के बीच कितना फासला होना चाहिए, 1 महीना। नाउ अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर फॉरफीचर कॉल अलॉटमेंट। अलॉटमेंट सबसे कॉल पहले तो अलॉटमेंट होगा, ठीक है, उसके बाद शेयर होल्डर को शेयर मिल गए, अभी बाकी का जो पैसा है उसमें कंपनी कॉल मांगेगी, और नहीं दिया तो कंपनी क्या कर सकती है, उसका शेयर्स फोरफीचर। सो फोरफीचर आखिरी स्टेज में आएगा, पहले शेयर्स, और अलॉटमेंट से पहले क्या आएगा, इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। इश्यू के पहले आएगा प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के पहले आएगा कंपनी का रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट, सो लेट अस कम टू प्रॉपर ऑर्डर। पहला क्या होगा, अलॉटमेंट तुम एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे, जैसे अलॉटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे तुम अप्लाई करोगे कंपनी को, फिर कंपनी तुमको शेयर देगी किस रूप में, अलॉटमेंट लेटर से। तुमको शेयर मिल गया, उसके 2 महीने के बाद तुमको क्या भेजा जाएगा, शेयर सर्टिफिकेट। लास्ट रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म मिनिमम सब्सक्रिप्शन। पहले क्या करना पड़ेगा, तुम अप्लाई करोगे, वो फॉर्म को क्या बोलेंगे, एक्चुअली प्रोस्पेक्टस है वो, एप्लीकेशन फॉर्म इज नथिंग बट प्रोस्पेक्टस। फिर क्या होगा, रिटर्न कैसे, मिनिमम सब्सक्रिप्शन से पहले रिटर्न कैसे फाइल करेगी कंपनी, अभी तक तो शेयर अलॉट भी नहीं हुआ, रिटर्न तो लास्ट स्टेज में आएगा अलॉटमेंट के। सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन होगा, उसके बाद शेयर अलॉट होगा, रजिस्टर मेंबर्स में होगा, शेयर सर्टिफिकेट जाएगा, उसके बाद रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल होगा। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट तो अलॉटमेंट का लास्ट स्टेज है, करेक्ट। नाउ केस लेट्स, ईवा लिमिटेड कंपनीज कैपिटल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स हैविंग फेस वैल्यू ऑफ 10 ईच। द कंपनी हैज ऑफर्ड टू द पब्लिक 40,000 इक्विटी शेयर्स, एंड आउट ऑफ दिस द पब्लिक हैज सब्सक्राइब फॉर 30,000 इक्विटी शेयर्स। सेट द फॉलोइंग इन रुपीज, ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है, सर 1 लाख। अरे क्वांटिटी नहीं, 1 लाख कैसे रुपीज में आ सकता है, वन सर लाख इंटू ये कितना होगा, 10 लाख रुपए। 1 लाख कैसे हो सकता है शेयर, क्या 10 लाख होगा ना तुम्हारा, रुपीज में बोला है। अरे ये समझो, ये 1 लाख क्वांटिटी है, इंटू 10 ये वैल्यू है। नेक्स्ट सब्सक्राइब कैपिटल क्या रहेगा, सब्सक्राइब सर थ्री कैपिटल। लाख सो कितना उन लोगों ने
खरीदार पब्लिक ने 3 लाख, नाउ इश्यू कितना किया है, ऑफर टू द पब्लिक कितना किया है, 40,000 इंटू 10 4 लाख, सो 1 लाख इंटू 10 10 लाख ऑथराइज है, सब्सक्राइब 3 लाख है, एक्चुअली इश्यू पहले पूछना चाहिए फिर सब्सक्राइब आएगा क्योंकि इश्यू सब्सक्राइब का पार्ट है. नेक्स्ट, व्हाट शुड द टीआरआई कंपनी द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर आर कंसीडरिंग वेरियस ऑप्शन फॉर दिस दैट ओके न्यूली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, पब्लिक से कैपिटल रेस करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सोच रही है आईपीओ करेगी कि एफपीओ करेगी. आईपीओ एफपीओ का तो सवाल ही नहीं है, शेयर मौजूद ही नहीं है तो एफपीओ कैसे हो सकता है, तो पहले आईपीओ होगा. कैन द कंपनी ऑफर बोनस शेयर्स टू रेज इट्स कैपिटल, बोनस शेयर्स में तो पैसा मिलता ही नहीं है, फुकट के शेयर्स दिए जाते हैं, तो इट कैन नॉट इश्यू बोनस शेयर्स टू रेज इट्स कैपिटल क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, तो कैपिटल बढ़ेगा लेकिन रिजर्व में से निकाल के बोनस में जाए. कैन द TRI companies are newly incorporated company. वो equity shares public को देना चाहती है. अलग अलग options. Can the company enter into an underwriting agreement? The answer is yes. Not only yes, it is compulsory. क्योंकि पैसा कम मिला तो कंपनी बंद हो जाएगी, तो कंपनी को underwriting agreement करना पड़ेगा. क्योंकि example, तुम shares directly transferee को नहीं बेच सकते, तुमको compulsory broker के through करना पड़ता है, तो underwriting agreement compulsory है. Now, oversubscribe हुआ है. The board of directors now wants to start the allotment process. Should the company set up allotment committee? Absolutely yes. Allotment committee कौन रहेगा? Board of directors में से कुछ directors रहेंगे allotment committee में. How should the company inform the applicants to whom the company is allotting shares? By sending letter of allotment भेजो. एप्लीकेंट्स को, शेयरहोल्डर्स को नहीं, या लेटर ऑफ जिन्होंने अप्लाई किया था उनको लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा, इसका मतलब वो लोग शेयरहोल्डर बन गए. विद इन व्हाट पीरियड शुड द कंपनी इशू शेयर सर्टिफिकेट? 2 मंथ्स, दो, और ट्रांसफर का रहा तो कितना, 1 महीना. डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट 3 महीना. एक द रेड ट्यूब लिमिटेड हैज मेड अ डिमांड ऑन इट्स शेयरहोल्डर्स टू पे द बैलेंस अनपेड ऑफ 20 पर शेयर. 100 रुपए का शेयर है, 20 रुपए मांगा है, सबसे कॉल लेटर भेजा है. आर द शेयर होल्डर्स लाइबल टू पे 20 फॉर द शेयर्स हेल्ड बाय देम? द आंसर इज यस. मांगा है तो उनको पे, लिमिटेड लायबिलिटी में 100 रुपए का शेयर्स है, जो रकम बाकी है उसमें से 20 रुपए मांगा है तो शेयर होल्डर को देना पड़ेगा. नेम द लेटर सेंड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर आस्किंग देम टू पे 20. कॉल लेटर, और फिर नहीं पे किया किसने तो कॉल रिमाइंडर, फिर नहीं पे किया तो वार्निंग लेटर ऑफ फॉरफीचर, लास्ट में जब्ती का लेटर को लेटर ऑफ फॉरफीचर बोलते हैं, जो कि रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भेज जाता है. व्हाट हैपेंस इफ अ शेयरहोल्डर फेल्स टू पे द मनी विद इन द स्पेसिफाइड टाइम? सो द कंपनी मे फॉरफिट शेयर, मे बोला है, जबरदस्ती नहीं है, ऑप्शन है कंपनी के पास कि कॉल रिमाइंडर वार्निंग लेटर ऑफ फॉरफीचर ये सब प्रोसीजर करो. द कंपनी हैज आस्क्ड ऑल शेयरहोल्डर्स टू पे द बैलेंस, एक्सप्रेस द फुल अमाउंट डिमांडेड बाय द कंपनी. Why was in a bad position is unable to pay him. Can the company forfeit the shares of why? Why not? क्योंकि यदि उसने पे नहीं किया है तो कंपनी दया सब नहीं चलता भाई, जो हिसाब है वो तो हिसाब का है. Can the X has paid the full amount of the company? Why is in a bad position? Can the company forfeit shares of X? No. Legally company cannot forfeit because X ने पूरा पैसा दे दिया है. Fully paid up shares cannot be forfeited. Can X transfer his shares? Yes. यदि पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो शेयर ट्रांसफर कर सकता है. तो यहाँ पे तुम्हारा एसपी का थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, उसका फुल चैप्टर एक्सरसाइज आंसर्स, करेक्ट, फिर खत्म. वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.